बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला खातमुन नबीईन। रब्बे जलील ने जिस एहतियात और हफाजत से कुरान मजीद फुरकान हमीद के हर आयत हर लफ्ज की हुरमत को महफूज रखा है, उसी तरह साबे कुरान और अपने महबूब के हर फेल हर अमल और हर अदा को महफूज रखा है। हजरत अनस से रवायत कर रहा हूँ, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में कुफार के बदतरीन रवैये और तशद्दुद का सामना किया। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप दावत हक दे रहे थे तो एक पत्थर मारा जिससे आपका चेहरा लहूलुहान हो गया। हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिगफार किया, हालांकि वो जानते थे ये क्या हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये मुशरिकीन ने उन्हें मजरूब किया है। हजरत जिब्राइल अमीन ने वादी में एक दरख्त की तरफ नजर दौड़ाई और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इस दरख्त को हुक्म करें कि वो आपके पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को हुक्म किया, वो ज़मीन चीरता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु इस रवायत में ये इजाफा करते हैं कि उस दरख्त ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। हजरत जिब्राइल अमीन ने आपसे अर्ज की कि इसको हुक्म दें कि ये वापस अपनी जगह पे चला जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया तो वो वापस अपनी जगह पे चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे लिए काफ़ी है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला।